डेरिवेशन वेरी केयरफुली, ठीक है, वेरिएशन इन जी विद द वेरियस फैक्टर्स, फर्स्ट वॉज हाइट, नेक्स्ट इज डेप्थ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. सो यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, वट वी आर टॉकिंग अबाउट, सर्फेस पे वेर आई एम स्टैंडिंग और यू आर सिटिंग, हेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी gm by r square, because the distance of surface from the center of earth is r, equal to radius of earth. So what is the value of g here on the surface? Khwahish will tell me. Ek minute Khwahish, aap batao. Khwahish, what is the value of g here on the surface? Small g ki value on the surface kitni hai? No. देखो दो जी होते हैं ना, कैपिटल जी एक स्मॉल जी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल जी. अर्थ के लिए स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है? नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चे लर्न कर लो, ठीक है, बैठ जाओ. ओके, सो व्हेन नाउ वी सपोज स्टार्ट डिगिंग द सरफेस and we dig a tunnel up to the center of earth, we start going downwards from the surface of earth. ab kya hoga, hum kisi depth pe pahunch jayenge, to with depth how g will change we are going to discuss. ha we will discuss that. kya formula uska decrease ho jayegi na g, what will be the formula of new g? देखो फिर वेट करो, मैं करवाने लगी हूं ना, ये देखो. सो लेट अस ड्रॉ अर्थ. वी आर हियर एट पॉइंट ए, हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एंड आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज आर, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. 35 रोल नंबर. सो एट ए, एट द सरफेस ऑफ अर्थ we can write g is gm by r square. This is our equation number 1. But this article is different from the previous article of height or altitude. Why? Because when we start going up from the surface of earth, हमारे रास्ते में air आती है. Air की density होती है 1, approximately 1 kg per meter cube. So we ignore that. But when we go inside the earth, तो हमारे जो वे में अर्थ आती है, अर्थ की रॉक्स आती है, एंड डेंसिटी ऑफ दोज रॉक्स इज नॉट इग्नोरेबल, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अकाउंटेबल, इट इज एप्रिशिएबल. सो वी कांट इग्नोर दैट डेंसिटी ऑफ अर्थ व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड, व्हेन वी आर गोइंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ. सो वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द डेंसिटी ऑफ अर्थ एज वेल. सो वॉट वी आर टू डू, वी आर टू मॉडिफाई दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट. ये मास की टर्म्स में है ना, हमें इसको डेंसिटी की टर्म्स में पहले करना पड़ेगा करेक्ट, उसके बाद हम डेप्थ के साथ देखेंगे कि व्हाट इज टू बी डन, राइट. सो लेट्स मॉडिफाई दिस फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ? मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी सपोज डी है, मास ओवर वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई, मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई. इज दिस स्टेप क्लियर? Now, if Earth is considered to be solid sphere of radius r, what will be its volume? 4 over 3 pi r cube. You know the formula of volume of a sphere. That is 4 over 3 pi r cube. So, put the value of this volume here. 4 over 3 pi r cube. Ye humne put kar diya v ko. Get up, idhar aajo. आप साइड में आ, हाँ यहाँ, यस यू, हाँ मुझे विजिबल रहोगे आप. तो मास को अब हमने ऐसे लिखा, लेट अस पुट दिस वैल्यू इन वन नाउ. सो पुट m इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1, लेट अस सी इनटू डी. वॉल्यूम को लिखा 4 ओवर 3 पाई r क्यूब, डी तो वैसे ही रहेगा. तो देखो जी, कैपिटल जी और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे, हमने उसको कुछ नहीं दिया. जस्ट इन प्लेस ऑफ मास वी विल बी पुटिंग नाउ
4 over 3 pi r cube d. Is this step clear? 2 r cancel ho jayenge. R square hai na. 1 r will be left here. मतलब दो कैंसिल हो गए, एक रह गया. यस, दो तीन आर नहीं है यहाँ पे. हेयर इट इज आर क्यूब, हेयर आर स्क्वायर. तो दो कैंसिल हो गए, एक रह गया ना. हाँ, वन लिख लो. फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब नहीं आया यहाँ पे. टू आर्स कैंसिल कर दिए. वन इज लेफ्ट, वन वन इज लेफ्ट ना. अब देखो क्या रह गया. जी इज फोर ओवर थ्री पाई कैपिटल जी आर डी. दिस इज योर न्यू फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट यू नीड नॉट लर्न दिस फॉर दिस आर्टिकल ओनली. अब आपके पास जी का एक फॉर्मूला आ गया जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है. सो नाउ वी विल बी यूजिंग विद यूजिंग दिस फॉर्मूला. समझ लो कि हमने यहां से अब डेरिवेशन स्टार्ट की. तो ऐसे नहीं करना, हाइट में हमने आर स्क्वायर लिया था, आर प्लस एच स्क्वायर लिया था, उसको डिवाइड कर दिया था, सिंपली आ गया. यहाँ पे सीधा लेके स्क्वायर डिवाइड नहीं करना है, पहले मॉडिफाई करना है आपको एक्सप्रेशन. राइट, सो रिमेम्बर दिस. नाउ वी टेक, अब हम जा रहे हैं अर्थ के अंदर. हम पहुंच गए बी पॉइंट पे. तो लेट अस से डेप्थ ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ है डी, स्मॉल डी. कैपिटल डी डेंसिटी ली हमने, स्मॉल डी डेप्थ ली. तो अब इस डेप्थ पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेट अस से दैट इज जी डेप्थ. जी चेंज हो रही है, यही तो हम देखना चाहते हैं कि विद डेप्थ जी चेंज होती है कि नहीं होती है. सो लेट अस अज्यूम कि चेंज होती है, एंड द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट डेप्थ इज जी डैश. So we aim to find this g dash. हमने ये g dash निकाला, ठीक है. तो a point पे ये था, अब हम b point पे लिखते हैं g को. In place of g we have g dash. 4 over 3 pi and capital g. b point पे भी वही रहेंगे, ये तो change नहीं ना होते. तो b point पे भी 4 over 3 pi g will remain the same. In place of r क्या लिखोगे? What is the distance of B point from the center of Earth? हाँ, अगर ये D है, ये पूरा R था, तो how much will be this? This will be R minus D. And whenever we write the formula of G, we write distance from the center of Earth. Earth के center से B point का distance कितना है? R minus D. पहले हमने A point लिया था, उसका distance कितना था? R था. अब distance कितना हो गया? R minus D. So just in place of r you will write r minus d or into d to wahi rahega. This is your equation number 3. Dekho ye wala step, agar koi doubt hai isme to see. Jisko clear nahi hai wo pooch sakta hai. ये ए पॉइंट पे जी था, वी हैव रिटन नाउ एट बी पॉइंट जी डैश. इन प्लेस ऑफ आर वी हैव आर माइनस डी. ये देखो, हमने पहले ये जी कहां पे लिखी थी? ए पॉइंट पे. तो जहां पे हम जी लिखते हैं, वी ऑलवेज टेक डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. तो उसका डिस्टेंस कितना था? अर्थ के रेडियस के जितना. तो वी हैड रिटन आर स्क्वायर हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. अब हम B पॉइंट पे लिखना चाहते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ B पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. अगर B पे हम D डेप्थ पे हैं, हम अर्थ के सरफेस से चलना स्टार्ट हुए, तो वी रीच्ड अ पॉइंट B, गरिमा, वी रीच्ड अ पॉइंट B जो D डेप्थ पे है, तो हमारे उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है? इफ दिस इज D, ये पूरा आर था, तो हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस? It will be R minus D, of course. तो अब हमने B point पे क्या change हुआ वो लिख दिया. एक तो G change हुआ, एक R के place में R minus D. ऐसे किया कि तुमने मेरे बाल के खिलौने हैं इसलिए.
डिवाइडिंग नाउ. ये क्लियर है बी? थर्ड इक्वेशन क्लियर है? तो नाउ वी विल लुक एट इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन प्लेस ऑफ 1 and 2. डिवाइड नाउ सिंपली डिवाइडिंग 3/2. G dash upon G 4/3 πG R minus D into D 4/3 πG R D. डिवाइड कर दिए. अब देखते हैं व्हाट कैंसल्स आउट. एक तो 4/3 πG gets cancelled, D gets cancelled. What we are left with, G dash upon G is R minus D upon R. G dash over G is R minus D over R. Fine? यही रह गया ना? G dash upon G बेस सेपरेट कर दो. R ओवर R माइनस D ओवर R भी लिख सकते हैं हम. सेपरेट द बेस, वी कैन राइट लाइक दिस. R ओवर R इज 1. टेक दिस G ऑन दैट साइड. So that means G decreases with depth. This is new G. So surface पे G थी, B point पे at a depth G कितनी हो गई? 1 minus D over R into G. It is 1 minus D over R into G. अब how do you come to know कि ये less हुई है कि increase हुई? कैसे पता चल रहा है? नेगेटिव में आप इसको ओपन करो ब्रैकेट को, क्या आएगा? G माइनस समथिंग. सो G डैश न्यू G इज G माइनस समथिंग. G में से कुछ माइनस हो रहा है, दैट मींस दिस G डैश इज लेस देन G. यहां से पता चलता, ठीक है? सो G डैश इज लेस देन G. तो यहाँ पे आप कमेंट लिखोगे, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ. So from here we come to know that acceleration due to gravity decreases with depth. Clear? Now this article is clear to you. One special case. Let us calculate the acceleration due to gravity at the center of Earth. तो अगर हम सरफेस से स्टार्ट होके ऐसे चलते चलते अर्थ के सेंटर में पहुंच जाएंगे, यहां से स्टार्ट होके यहां पहुंच गए, तो डेप्थ विल बी इक्वल टू व्हाट? आर. तो हम तो यहां से चल के अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए, डेप्थ कितनी हुई? इक्वल टू रेडियस. सो पुट डी इक्वल टू आर नाउ. हाँ लिखो क्वेश्चन. कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ. कैलकुलेट एक्सेलरेशन या जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ. तो क्या करोगे? पुट इस फॉर्मूला में डी को आर के इक्वल पुट करते हैं. जी डैश 1 माइनस डी को भी आर पुट कर दिया, 1 माइनस आर ओवर आर इंटू जी. व्हाट इज 1 माइनस 1? So, G is 0 at the center of Earth. तो ये प्रूफ है. हमने कहा था ना कौन से 3 places हैं जहां पे G 0 है. एक हमने कहा था at the center of Earth. So, this is the proof. Why G is 0 at the center of Earth? 1 minus R over R हो गया ना, D over R था. D को हमने R put कर दिया. तो 1 minus R over R into G. R upon R is 1. 1 minus 1 is 0. वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. वो प्लस वन का टॉपिक है, आपका नहीं. आपको उस लेवल तक के आएंगे.
ठीक है, सो जी डैश इज इक्वल टू जीरो. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, दैट मीन्स. ओके, नेक्स्ट इज वेरिएशन इन जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ. थर्ड फैक्टर विद जी चेंजेस इज रोटेशन ऑफ अर्थ, और ऑल्सो यू कैन कॉल इट लैटिट्यूड, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो एंगल चेंज होता है, तो उस एंगल को हम लैटिट्यूड बोलते हैं. सो लैटिट्यूड पहला फैक्टर था, ऑल्टीट्यूड और हाइट, ये थर्ड फैक्टर है लैटिट्यूड, रोटेशन ऑफ अर्थ. तो इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, जस्ट नोट डाउन द रिजल्ट दैट विद रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो जी डिक्रीजेस. तो अर्थ की रोटेशन की वजह से भी जी डिक्रीज होती, जस्ट नोट डाउन दिस रिजल्ट. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्मॉल जी डिक्रीजेस विद रोटेशन ऑफ अर्थ. लिखवा दिया था पहले. ओके, एक इसका एग्जाम्पल करवाया था मैंने. क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग टुडे. अगर आज अर्थ स्टॉप कर दे रोटेट करना, तो जो ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर हैं, लाइक हम भी हैं, तो व्हाट विल हैपन टू आवर वेट्स? विल वी फील एनी डिफरेंस इन आवर वेट्स? यस, व्हाट काइंड ऑफ चेंज वी विल फील? राइट नाउ वी आर फीलिंग मोर वेट और लेस वेट? वी आर फीलिंग लेस वेट. देखो, हमने कहा कि जी डिक्रीज हो रही है अर्थ की रोटेशन से, और वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी पे. तो अगर जी राइट नाउ डिक्रीज है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो वेट भी तो डिक्रीज है ना. हम जो फील कर रहे हैं उस टाइम, अभी थोड़ा सा कम है हमें फील हो रहा, दैट मीन्स आर एक्चुअल वेट इज इवन मोर, राइट? आर एक्चुअल वेट इज इवन मोर देन द वेट वी आर फीलिंग राइट नाउ. सो इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग टुडे, आर वेट्स विल कम टू द नॉर्मल वैल्यू, बिकॉज जी विल इंक्रीज टू द नॉर्मल वैल्यू. अभी जी कम है, इसका मतलब अगर अर्थ स्टॉप कर दे रोटेट करना, तो जी इंक्रीज हो जाएगी और हमारे वेट भी इंक्रीज हो जाएंगे टू देयर नॉर्मल वैल्यू. अभी हमें कम फील हो रहा है. क्या स्लाइट चेंज? बहुत स्लाइट है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है. अर्थ रोटेट कर रही है, आपको फील हो रहा है अभी? नहीं ना हो रहा, बिकॉज द एक्सेलरेशन विद विच द अर्थ इज रोटेटिंग और इवॉल्विंग वेरी वेरी स्मॉल, 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना स्मॉल वैल्यू है उसकी, तो हमें फील भी नहीं होगी उसकी वजह. वेइंग मशीन तो आपको वेट देता ही नहीं है, वो तो मास ही देता है. वो मास तो सेम ही रहेगा, मास तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो लिखिए ये वाला क्वेश्चन. What will happen to the weights of objects present on Earth? What will happen to the weights of objects present on Earth? Weights of objects present on Earth if Earth stops rotating? What happens to weights of objects present on Earth if Earth stops rotating? तो आप लिखोगे weights will increase to their normal values. Weights will increase to their normal values. Because small g decreases due to rotation of Earth and hence weight. Because small g decreases due to rotation of earth and hence weight also. You are not noting down? Weights will increase to their normal values because small g decreases with rotation of earth. Small g decreases with rotation of earth and so does weight. इसलिए वेट भी डिक्रीज होता है विद रोटेशन ऑफ अर्थ. यू डिडंट नोट दिस डेरिवेशन, दिस लॉन्ग डेरिवेशन यू नीड नॉट नोट डाउन. व्हाई डिडंट यू नोट? आपने क्यों नहीं नोट की?
ओके सो फोर्थ फैक्टर इज शेप ऑफ अर्थ. आपको पता है कि अर्थ जो ऑरेंज शेप्ड है एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट इज समवट समवट फ्लैटर एट द पोल्स. थोड़ी सी जो शेप है इसकी ऑरेंज शेप है, दिस इज द एक्चुअल शेप. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है एंड दीज आर पोल्स, ये पोल्स है. तो ये जो पोलर रेडियस है दैट इज लेस देन इक्वेटोरियल रेडियस बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ. ये इक्वेटर है तो इस रेडियस को हमने आर ई बोल दिया, इक्वेटोरियल रेडियस. ये पोल्स हैं तो हमने इस रेडियस को पोलर रेडियस बोल दिया, आर पी. देखो पहले तो ये डिफरेंट है ना बिकॉज ऑफ दिस शेप ऑफ अर्थ, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ. कौन सा ग्रेटर है? इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. आपको दिख रहा है? तो चलिए अब हम कंपेयर करना चाहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स एंड एट द इक्वेटर. सो सपोज कर लो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी ई और पोल्स पे है जी पी. पोल से पी, ई से इक्वेटर हो गया, ठीक है, वही सिंबल ले लिए मैंने. सो फॉर्मूला ऑफ जी क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर. हाउ विल आई राइट जी पी? जी एम तो चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. आर पी, यहाँ पी लिख दिया तो यहाँ पे पी आ गया. और एट इक्वेटर हाउ कैन आई राइट? इफ आई राइट हियर आर ई ए, हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेटर हमारी जी हो जाएगी. इज दैट फाइन? बस डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग क्या आएगा बताइए आप मुझे. आई वॉन्ट सॉल्व दिस, आप बताओ. ऑन डिवाइडिंग व्हाट विल यू गेट? यस, जी एम कैंसल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा आर ई स्क्वायर ओवर आर पी स्क्वायर. आर पी, आर पी स्क्वायर ओवर आर. नो, ठीक है, सॉल्व करके देखो ना कॉपी पे. GM will get cancelled. It will be RE upon RP square. अब क्योंकि RE is greater than RP, so RE square is greater than RP square. अब ये इससे greater है तो ये इससे greater. Ratio में ऐसे ही होता है ना. तो आप लिखोगे because RE is greater than RP, therefore RE square is greater than RP square. And therefore, GP is greater than GE. तो यहां से भी हमें पता चल रहा है shape of earth से भी कि acceleration due to gravity at the poles is more than that at the equator of earth. So yes, we know poles पे maximum होती, equator पे minimum होती और center पे zero होती. ठीक है? तो ये पूरी variation हमें small g की पता चल रही. It is always maximum at the poles. It is minimum at the equator. It is zero at the center of Earth. It is zero at the center of Earth. These were all the factors affecting small g. Have you written differences between small g and capital G? Yes, sir. कितने लिखे हैं? Six. मास और वेट में लिखे हैं? Yes, कितने लिखे हैं? Six. हाँ, that's okay. Five हैं आपके हुए? हमने करा दिया था. कौन सा था? हाँ, एक फुल फॉर्म लिख देना. बट व्हेन इट कम्स टू थ्री मार्क्स क्वेश्चन और आप थ्री ही पॉइंट्स लिखते हो, देन टेलिंग जस्ट द फुल फॉर्म विल नॉट बी सफिशिएंट. यू नो, आपके मैंने टेस्ट में भी मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग दिए थे. ठीक है? तो व्हेन यू आर हैविंग सिक्स पॉइंट्स एंड देर आर थ्री मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट ऑल द सिक्स पॉइंट्स. ठीक है?
क्या हुआ, क्या करना है, क्यों कर लो, अभी ब्रेक होगी उसमें कर लेना. ओके, हैव अ लुक एट बोथ द डेरिवेशंस वी डिड टुडे. एनी डाउट इफ यू आर हैविंग, फर्स्ट आस्क दैट. यस, राइट डाउन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी डिड दैट डे. सीधे बैठो, लिखिए क्वेश्चन. At what height from the surface of earth? At what height from the surface of earth will the acceleration due to gravity, will the acceleration due to gravity reduce to, at what height from the surface of earth will the acceleration due to gravity reduce to reduce to 1 by 8th of its value on the surface, will reduce to 1 by 8th of its value on the surface, reduce to 1 by 8 of its value on the surface of earth. Haan ji, on the surface of earth. ओके, दिस यू विल ट्राई एट होम. ये वेरिएशन विद हाइट के ऊपर बेस्ड है, वो फॉर्मूला यूज होगा. जी डैश अपॉन जी इज आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, ये हिंट दे दिया मैंने आपको, ये आप ट्राई करोगे. अभी मैं एक्सरसाइज शेयर करती हूँ आपसे. यस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सुन लो. यस, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए. हाउ डज the force of gravitation between two objects change when distance between them is reduced to half? We will be using Newton's formula of gravitation. What is that? तो ये formula use करेंगे. तब वो कह रहे हैं कि distance को half कर दिया. New distance is half of previous. How will this force get affected? Inversely proportional है, force increase होगा अगर distance half की है. But कितना होगा exactly? Yes? R dash फुट गिर गया, R by 2 का square, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 times. So force will increase 4 times. इसका answer क्या आएगा? 4 times. Should I solve? न्यू फोर्स ये देखो, वहां चलो. ये आपका फोर्स था न्यू. ये व्हाट इज दिस? दिस इज एफ. तो आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स. देखो कोई स्टेप नहीं क्लियर. तो बस आर को क्या पुट किया, आर बाय 2, उसका स्क्वायर किया, 4 ऊपर चला गया, 4 टाइम्स.